के लिए मैं उर्दू हिंदी में ही बोलूँगा, अरे मीरा साहब उसका तर्जुमा कर देंगे अगर आप अपने बात को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। हमारे राम बाबू साहब ने कल फ़ोन किया था मुझे कि हम CPM की जानिब से और CPIG जो है ये मिलकर एक प्रोग्राम आपके स्कूल में हॉस्टल में करना चाहते हैं और वो काम है फिरका परस्ती के ख़िलाफ़। यानी आज हिंदुस्तान में जो दंगा फसाद करने की और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की या जो कमज़ोर है उसको और दबाने की जो कोशिश की जा रही है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने बात की। तो मैं गांव में था तो मैं बोला आने के बाद फ़ोन करूंगा, तो रात में 11 बजे फिर इनको फ़ोन किया मैं और फ़ोन करके बोला कि अगर ये प्रोग्राम करना है तो हम उसका वेलकम करते हैं, बिल्कुल हम आपका साथ है। बल्कि ये आवाज़ समझिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पर हमला है तो मुसलमान आवाज़ उठाएगा, नहीं, हिंदुस्तान में जो भी मजलूम है जिसे कौन सी भी गवर्नमेंट हो और बिलखसूस जो आज की है जो गवर्नमेंट है BJP गवर्नमेंट RSS के बलबूते पर और इस तरह से दलितों पर हमले हो रहे हैं, तो हमेशा हर मौके पर मुसलमान सपोर्ट रहेगा और जहां पर भी जिस एतबार से भी मुसलमान जो काम कर सकता है जिस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज मुसलमान को खामखाई बदनाम किया जा रहा है कि दाइश के नाम पर ISIS के नाम पर फला फला चीज़ों के नाम पर कि कौन भी टोपी पहन लिया दाढ़ी रख लिया तो उसमें शुमार होता, ऐसा नहीं है। यही BJP गवर्नमेंट है और जो भी इस तरह के सेकुलर जहन रखने वाले नहीं है हम उनकी हमेशा यही दावत देते हुए आए हैं कि भाई मदरसों को आइए, मदरसों में क्या पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस होता है, यहाँ क्या पढ़ते हैं, कैसा अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। तो इसी तरह जब इन्होंने हमारे सामने बात रखी तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लिहाजा मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आए और इसके बाद इंशाल्लाह जब भी हम आपको आपकी ज़रूरत रहेगी हम आपको दावत देंगे, जब वो आपको हमारी ज़रूरत रहे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क में अमन सुकून कायम रखने के लिए इंशाल्लाह हमारा हर मौके पर आपका साथ रहेगा।